हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नैनाज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ परवल भरवा। इसमें क्या खास है? तो खास इसमें यह है कि इसमें मैं पोस्ते दाने का भी यूज़ करने वाली हूँ, जिससे बहुत ही टेस्टी ये भरवा परवल बनने वाले हैं। तो चलिए हम बनाते हैं भरवा परवल विद पोस्ता। भरवा परवल बनाने के लिए मैंने ये परवल लिए हैं और उसको मैंने चाकू से इस तरह से इसको छील लिया है। और अब इन परवल को मैं इस तरह से बीज से चीरा लगा देती हूँ और चीरा लगा के इसके अंदर का ये जो गूदा है इसको मैं निकाल देती हूँ। परवल में भरने के लिए मैंने ये पोस्ता दाना लिया है और इसको मैंने 3-4 घंटे पहले पानी में फूलने के लिए रख दिया था। ये करीब करीब 60 ग्राम पोस्ता दाना है। मैंने 100 ग्राम का पैकेट मंगाया था, इसमें से 40% मैंने रख लिया है और 60% मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा पानी मैंने डाला है और इसको अब मैं एकदम पीस के फाइन पेस्ट बना लेती हूँ। मैंने एक बर्तन में थोड़ा पानी गरम किया है और मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा नमक और इसके साथ ही अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये परवल जो हमने छील के और अंदर से खाली करके रखे हैं और इसको 3-4 मिनट तक थोड़ा सा बॉयल होने दूंगी। बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करूँगी क्योंकि अभी जो परवल है थोड़ा सा इनका छिलका सख्त हो गया है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा इसको इस तरह से उबाल ले रही हूँ और इसको मैं फिर ढक दूँगी। 3 मिनट हो गए हैं और ये परवल हमारे अब बॉयल हो चुके हैं। इससे ज़्यादा अगर हम बॉयल करेंगे तो ये गलने लगेंगे। तो अब मैं इसको उतार के छान लेती हूँ। मसाला बनाने के लिए मैंने ये कढ़ाई गैस पे चढ़ाई है और इसमें मैं डाल रही हूँ ये सरसों का तेल, 2 बड़े चम्मच तेल मैंने डाला है और इसको अब मैं गर्म हो जाने देती हूँ अच्छी तरह से। तेल हमारा गर्म हो गया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 चम्मच जीरा और जीरा हमारा क्रैकल हो रहा है। तो मैंने 10 कली लहसुन को कूट लिया है और इसको मैं डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा लहसुन को गंध जाने तक भून लेती हूँ और गैस की फ्लेम में एकदम अभी लो कर दे रही हूँ क्योंकि अब मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च। ये अब लहसुन की महक काफ़ी कुछ ख़त्म हो गई है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये प्याज। मैंने 4 प्याज पीसे हैं, मीडियम से थोड़ा बड़े साइज के ही प्याज हैं और अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ। प्याज करीब करीब भून गया है तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये मैंने 3 टमाटर मीडियम साइज के काट के और इसको पीस लिया है। अब मैं इसको डाल के अच्छी तरह से भून लूँगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर और इसके अलावा मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर और इन तीनों को मैं मिक्स कर दे रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर मैंने पहले ही डाल दिया था और अब मैं इसके साथ इसको भून ले रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी मिला दे रही हूँ
वैसे परवल में हमने उबालते समय थोड़ा सा नमक डाला था, तो उसी के हिसाब से मैं अंदाज से नमक डालूंगी। बाद में हम इसे थोड़ी सी चीनी भी मिक्स करने वाले हैं। ये मसाला करीब करीब भुन गया है, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये पोस्ते का पेस्ट। पोस्ते के पेस्ट को मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और अब मैं इसको भी भून लेती हूँ। ये मसाला करीब करीब तैयार है। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी चीनी और इसके साथ ही इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ये कटे हुए काजू और थोड़ी सी किशमिश। मेरे पास किशमिश बहुत कम है अभी। अगर आपको मिठास पसंद है तो ही आप ये सब डालें, वरना आप किशमिश और चीनी छोड़ दे सकते हैं, लेकिन इस सब्जी में थोड़ी सी मिठास अच्छी लगती है। ये मसाला हमारा तैयार है, तो अब मैं इसको ठंडा करके और परवल में भर देती हूँ। अब ये परवल में मैं ये मसाले को भर देती हूँ। इसी तरह से मैं सारे परवल को भर के तैयार कर देती हूँ। ये सारे परवल को मैंने भर के तैयार कर लिया है। इतना मसाला बच गया है, इसमें कुछ रस वाले परवल बना दूंगी, ग्रेवी बना लूंगी उससे। तो अब मैं इन परवल को पहले फ्राई कर लेती हूँ। परवल को फ्राई करने के लिए मैंने ये पैन गैस पे चढ़ाया है और मैं इसमें डाल रही हूँ ये सरसों का तेल और तेल को थोड़ा सा गर्म हो जाने देती हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये परवल। मैं इसको पलट देती हूँ। सारे परवल को मैं इसी तरह से पलट के और फ्राई कर लेती हूँ। मैंने सारे परवल को उलट पलट के और फ्राई कर लिया है और ये परवल अब फ्राई हो गए हैं, तो मैं इनको अब निकाल लेती हूँ। इसी तरह से मैं बाकी के बचे हुए परवल को भी फ्राई कर लेती हूँ। परवल को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है और जो तेल बचा था उसको मैंने ये दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफर कर दिया है। इसको मैंने थोड़ा सा छान दिया है और अब इस तेल में ये जो बचा हुआ मसाला था मैं इसको डाल देती हूँ। मसाला तो हमारा ऑलरेडी भुना हुआ है, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, क्योंकि मैं सारे परवल को ग्रेवी में नहीं डालूंगी, तो इसलिए मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा ही पानी। और इसमें मैं एक उबाल आने देती हूँ। ग्रेवी में उबाल आ गया है तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ बहुत ही थोड़ा सा नमक और इसको मिक्स कर दे रही हूँ। फ्लेम को अब मैं थोड़ा सा लो कर देती हूँ और इसमें मैं
कुछ परवल जो है वो डाल देती हूँ। इसको थोड़ा सा 1 मिनट इसको मैं उबल जाने देती हूँ, थोड़ा सा ढक्कन लगा के। इसको पकते हुए करीब करीब 2 मिनट हो गए हैं और मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ क्योंकि परवल हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं। स्टफ्ड परवल पोस्तो बनके तैयार हैं। ये मैंने सूखा खाने के लिए ही रखा है और इसमें मैंने ग्रेवी लगाई है। दोनों ही तरह से ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन मुझे ग्रेवी वाले बहुत ज़्यादा पसंद नहीं हैं। मेरे घर में लोगों को पसंद है, इसलिए मैंने इसको बनाया है। मुझे तो इस तरह से सूखा खाना ही पसंद है। बहुत ही टेस्टी परवल भरवे बने हैं। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।